गौर से देखिए इस इंसान रूपी सुअर को, इसे आप बकरा भी बुला सकते हो। इस अंडल की शक्ल हाल फिलहाल में इंटरनेट पे आपने बहुत देखी होगी, क्योंकि आजकल अपनी सोशल मीडिया पे टटिया ही तो वायरल हो रही है। और मैंने तो खुद इस गधेड़े पे दो वीडियो बनाई है क्योंकि व्यूज आ रहे थे। तुम्हें शर्म है कुछ? इस एजाज खान की कॉन्ट्रोवर्सी तो अंबानियों की वेडिंग की तरह हो गई है, साली चले ही जा रही है। चलो, उनके पास तो दुनिया भर का पैसा है, इस सड़क साहब के पास क्या है? अच्छा हाँ, है ना, दो प्यार करने वाले मर्द। खैर, अभी इस कंट्रोवर्सी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये एजाज खान और यूट्यूबर जैसे पूर्व जा और राजवीर से गुत रहा है। ए गुत बोला मैंने, गुत वो वर्ड नहीं जो तुम सोच रहे हो। खैर सोच भी लो तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इस आंडल का रात का काम तो वही है। तुम्हें क्या लगता है इस लफंडर के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, समझ रहे हो? खैर पहली कंट्रोवर्सी इस आंडल ने की है पूर्व झा से, जो कि लिटरली इसके बेटे की उम्र का है। अबे बुड्ढे मर जा। इस इंसान रूपी सुअर की पूर्व झा के इतने कॉमेडी वीडियो से झाटे किसे सुलग सकती है? ये कैरी है, इसने मेरा करियर रिवाइव किया है, मेरे सारे फैंस इसको थैंक यू बोल दो। चलो फटाफट, क्या है इस वीडियो में, बस सच्चाई तो बताइए कि क्यों की थी कंट्रोवर्सी? ये एजाज तो ऐसे डेट कर रहा है जैसे पिछवाड़े में किसी ने बम्बू डाल दिया हो। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी पुरानी, उसका बेटा भी आ रहा है, वो पूरब झा। अरे बेटा थोड़ा लिहाज रख बेटा, मम्मी का और मेरा जरा चक्कर था, उसका तो लिहाज रख। अबे एजाज खान, तुझे तेरे घर वाले मारते पीटते नहीं है क्या? क्योंकि जैसी तेरी हरकतें हैं, तुझे तो सरवाइव ही नहीं करना चाहिए था इस अर्थ पे इतने साल। मैं तो उन अनलकी शुक्राणुओं की सोचता हूँ जो कि इस गधेड़ बुद्धि से हार गए। अबे थू है यार तुम पे। ये भी मेरी गलती है। और उसके बाद एक और लफड़ा है एजाज और राजवीर के बीच में। इन दोनों की लड़ाई तो मुझे एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में नोकझोंक ज्यादा लगती है, वही बकचोदी। अब अबू कहाँ है तू? मेरी लोकेशन पे आ जा। अबे डार्लिंग मैं क्यों आऊँ, तू मेरी लोकेशन पे आ जा। अबे डार्लिंग आ गया तेरी लोकेशन पे, वहां से तो मैं 2 घंटे पहले निकल गया, चल तुझे दूसरी लोकेशन भेजता हूँ। और इतना सब कुछ करने के बाद भी ये प्रेमी प्रेमिका कभी नहीं मिल पाते। बोला भाई ने, खुद बोला कि पूरी होटल जाऊंगा, 2 घंटे रहूंगा, आधे घंटे तक खड़े। इसकी राह देखते के थक गया मैं, हिल्टन के नीचे ही खड़ा हूँ अभी तक। सुबह के 7 बज गए, ये आया नहीं। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चोद के बच्चे। एक और सच्ची प्रेम कहानी अधूरी रह गई दोस्तों, चड्ढा समझाओ इसे। वैसे किसी ने ये बात नोटिस करी है एजाज खान प्यार में कितनों से झूठी मूठी लड़ाई करके बैठा है? इलविश यादव, रजत दलाल, पूरब झा, राजवीर। अरे एजाज भाई, कहीं आप ये तो बनना नहीं चाहते? मैं शहर की सबसे बड़ी रंडी बनना चाहता हूँ। बेचारा केरीम नाटी भी सोचता होगा कि साला इन सब की शुरुआत तो मुझसे हुई और मजे सारे ये ले रहे हैं। खैर इन सब से एजाज खान को वो मिल ही गया जो उसको कब से चाहिए था। नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा, खैर ये भी मिल जाएगा उसको डेली बेसिस पे। अब तो मैं बात कर रहा हूँ अटेंशन की, जो उसको भर भर के मिल गया है, और बाकी यूट्यूबर्स को भर भर के व्यूज मिल गए। लेकिन इन सब में इनकी ऑडियंस को क्या मिला है? हेलो भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जिस किसी ने भी लाइक किया उसको मैं ये प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी घर भिजवा दूंगा। फिर लाइव बैठ के बदमोशी देखना। ओके।